नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को काली मां पोतने वाली घटना नागभीड़ तहसील से सामने आई है। एक बाप ने अपने ही 13 वर्षीय पुत्री पर अत्याचार कर उसे गर्भवती बनाया। पत्नी काम के लिए दूसरे राज्य में गई थी और पुत्री आश्रम स्कूल में छुट्टियां लगने के कारण घर आई थी। इसी का फायदा लेकर पिता के मन में वासना का तूफान जाग उठा और उसने अपनी ही पुत्री पर अत्याचार कर उसे गर्भवती बनाया। इस मामले में पॉक्सो के अंतर्गत पिता को गिरफ्तार किया गया। 16 जुलाई को ब्रह्मपुरी के MBBS डॉक्टर ईशा बिंजवे, इन्होंने वैनगंगा नदी के पुलिया पर से छलांग लगाकर आत्महत्या की। घर से निकलकर वह इस पुलिया पर पहुंची और उन्होंने छलांग लगाई, लेकिन पानी कम होने के कारण वह बच गई। इसके बाद उन्होंने दूसरा प्रयास किया और गहरे पानी में छलांग लगाई और अभी तक उनके शव का पता नहीं चल पाया। ईशा बिंजवे यह ब्रह्मपुरी के प्रसिद्ध डॉक्टर घनश्याम बिंजवे की पुत्री थी, लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। बहुप्रतीक्षित छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघनख जिनका इस्तेमाल करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट फाड़ दिया था और वही वाघनख अब महाराष्ट्र के सातारा शहर में 19 जुलाई को आने वाले हैं। लंदन के एक म्यूजियम में रखे हुए इन वाघनखों का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। चंद्रपुर जिले से मवेशियों को तेलंगाना के कत्तल खाने में भेजा जाता है और ऐसे कई मामले अभी तक सामने आए हैं। मूल शहर के पास आकापुर के पास 60 से 70 मवेशियों से भरा ट्रक अचानक पलटी हो गया। इस हादसे में 17 मवेशियों की मृत्यु हुई। यह पुलिस रिकॉर्ड है, लेकिन कहानी कुछ और है। अगर 17 मवेशियों की मृत्यु हुई तो अन्य 40 से 50 मवेशी कहाँ गए? अगर वह जिंदा है तो कहाँ है और उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें कहाँ दफनाया गया? इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है और यह मामला यही दर्शाता है कि इन तस्करी करने वालों के साथ साठगांठ किसकी है। गढ़चिरौली जिले के सुरजागढ़ परिसर में 10,000 करोड़ रुपयों की लागत से स्टील प्लांट का निर्माण होने वाला है और उसके नींव रखने के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ में उद्योग मंत्री उदय सामंत भी गढ़चिरौली पहुंचे थे। उद्घाटन होने के बाद अजीत पवार ने मीडिया प्रतिनिधियों से एक किस्सा बयां किया, जिसमें उन्होंने कहा कि खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर भटक गया था और उन्हें डर लग रहा था, लेकिन पास बैठे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से शांत थे और उन्होंने अजीत पवार से कहा कि मैं 6 बार दुर्घटनाओं से गुजरा हूँ और सही सलामत बचा हूँ, तो आप फिक्र ना करें। मध्य प्रदेश के देहात में एक दूल्हे की शादी के लिए बारात निकलने वाली थी, लेकिन इसी समय पुलिस ने दूल्हे को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस थाने ले गए। पुलिस थाने में ही दूल्हे की मौत हो गई, जिसके बाद बारातियों में खलबली मची और उन्होंने सीधे जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर जवाब मांगा। जब उन्हें सम्मानजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ, तब बारातियों में से आई महिलाएं निर्वस्त्र हो गई और वही दुल्हन ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाने का प्रयास किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला जिलाधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। वणी तहसील के खड़बड़ा गांव में दोस्तों के दो गुटों के बीच भिड़ंत हुई और इस मामले में दो सगे भाइयों को चार युवकों ने जमकर पीट डाला, जिसमें छोटे भाई के सिर पर लकड़ी का प्रहार भी किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मुहर्रम के दिन रात को 1 बजे हुए इस मामले में 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सुरजागढ़ में स्टील प्लांट प्रकल्प के उद्घाटन के लिए आए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भाजपा के पूर्व सांसद अशोक नेते तथा भाजपा के पदाधिकारी ने उनका हेलीपैड पर ही स्वागत किया तथा यहां की समस्याओं के बारे में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। उसके बाद वह सीधा अपने घर को लौट गए, जिसकी वजह थी कि कंपनी की ओर से राज्य मंत्री धर्मराव बाबा आदराम के अलावा किसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था, जिसके कारण भाजपा के पदाधिकारी नाराज हुए। इस घटना की चर्चा अब चारों ओर हो रही है।
सुरजागढ़ स्टील प्लांट के लिए 250 एकड़ जमीन देने का दावा करने वाले धर्मराव बाबातराम पर कांग्रेस के नेता तथा गढ़चिरौली के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अजय कंकड़लवार ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वह 250 एकड़ जमीन केवल धर्मराव बाबातराम की नहीं है, उसमें अन्य लोगों की भी जमीन शामिल है तथा यह जमीन वन विभाग तथा महसूल विभाग की होने की भी उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में अति खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।